दोस्तों जल्दी से अनबॉक्स करते हैं Redmi Note 7 Pro जो कि Xiaomi ने हाल ही में लॉन्च करा है इंडिया में। बॉक्स को ओपन करते ही दोस्तों सबसे पहले आपको मिलेगा इसका एक कवर केस। कवर केस सिलिकॉन का काफ़ी सॉफ्ट दिया गया है इस मोबाइल की सेफ्टी के लिए। साथ ही सेकंड जो आपको मिलेगा वो है डिवाइस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं Redmi Note 7 Pro। इसके ऊपर आपको कुछ इसकी फीचर्स लिखे होंगे, टॉप फीचर्स, जैसे कि इसका स्नैपड्रैगन और जो भी दिखा है। इसको आइए पील ऑफ कर देते हैं, इसकी स्क्रीन को बाद में देखेंगे। साथ ही बैक में आपको इसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ स्टिकर्स मिलेंगे, उनको आप केयरफुली रीड करें और उनको फॉलो करें। साथ ही ये था डिवाइस, इसके कैमरे के बारे में बाद में देखेंगे, आइए बॉक्स की तरफ चलते। साथ ही आपको इसके साथ मिलेगी बॉक्स के अंदर ये एक सी टाइप डाटा केबल और उसे चार्ज करने के लिए अडैप्टर मिलेगा 2.4 एम्पियर का, जो कि फास्ट तो नहीं है लेकिन मोबाइल आपका अच्छा चार्ज कर देगा। आइए चलते हैं डिवाइस की तरफ, डिवाइस देखते हैं। डिवाइस काफ़ी अच्छी लुकिंग है, काफ़ी अच्छी इसकी डिज़ाइन और काफ़ी स्लिक डिज़ाइन दी गई है। तो इसके टॉप पे आपको मिलेगा 3.5 mm जैक, जो कि आप ईयरफोन हेडफोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो थिकनेस है वो भी काफ़ी कम है। और साइड्स में आपको कुछ मिलेंगे वॉल्यूम अप डाउन पावर बटन्स, और आपको बॉटम में मिलेंगे इसके चार्जिंग पॉइंट, माइक और स्पीकर्स। इसके कुछ फीचर्स है जो अपन देख लेते हैं। 675 ऑक्टा कोर इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा, 6GB और 4GB रैम में इसका ऑप्शन है। 6.3 फुल HD IPS LCD स्क्रीन मिलेगी और 64/128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। ड्यूअल सिम कार्ड, रेयर कैमरा जो कि 48MP का, फ्रंट 13MP का है। मोबाइल की प्राइस की बात करें दोस्तों तो 14,000 और 17,000 दो ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। आइए इसके कुछ एडिशनल सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में काफ़ी, जिसमें कि लोकेशन वगैरह, आप जैसे ही मोबाइल ऑन करेंगे एडिशनल सेटिंग्स ये पूछेगा। उसके बाद अपन इसकी थीम पूछेगा मोबाइल की, आप कौन सी थीम रखना चाहते हैं। थीम सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको एंड्रॉयड 10 मिलेगा, जो कि आप इसकी कंप्लीट करें उसकी प्रोसेसर। उसके बाद मोबाइल चला के देखें आप, उसमें आपको डिवाइस में फुल स्क्रीन मिलेगा और टॉप पे एक फ्रंट कैमरा मिलेगा जो कि 13MP का है। साथ ही नेविगेशन बार में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अबाउट फोन में चल के देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों इसकी CPU, रैम 4GB है, इंटरनल स्टोरेज 64GB है। यहाँ पे आपको इसके फ़ोन के बारे में सारे फीचर्स मिल जाएंगे और फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल फ़ोन की तरह है, कुछ हार्ड एंड फास्ट इसके फीचर्स नहीं है। फ़ोन की लुकिंग काफ़ी अच्छी दी गई है और जिस रेट में ये है वो रेट में काफ़ी अच्छा दिया गया है। और प्रोसेसिंग भी इसकी काफ़ी फास्ट है, जैसे कि आप अभी देख चुके हैं। इसको कवर पहना दिया गया है, कवर में काफ़ी अच्छी इसकी लुकिंग है। कवर भी इसकी रिगार्डिंग डार्क ग्रे कलर का है। और बात करें फ़ोन की कुछ नए फीचर्स की, तो इस फ़ोन में आपको ज़्यादा कुछ नया फीचर्स नहीं है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, फ़ोन अभी तक तो हैंग नहीं हुआ है। साथ ही आपको बैक में मिलेगा इसका 48MP का कैमरा, जो कि दावा करते हैं कि काफ़ी अच्छा कैमरा है, AI कैमरा है। इसके फ़ोटोज़ की कुछ झलक देखते हैं जो कि इससे ली गई है। फ़ोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये दोस्तों ये था Redmi Note 7 Pro